तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सईद हैज़ ₹75। सईद के पास 75 रुपए हैं। ही गिव्स 20% ऑफ इट एज आल्म्स। वो 20% खैरात कर देता है। व्हाट रिमेन्स विद हिम। उसके पास बाकी कितने रुपए बचते हैं वो हमने फाइंड करना है। तो सईद के पास 75 रुपीज़ हैं, उसमें से वो 20% क्या करता है, खैरात कर देता है। तो बाकी उसके पास कितने रुपए बचते हैं वो हमने फाइंड करने हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, टोटल अमाउंट ऑफ सईद हैज़ तो सईद के पास जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है, ₹75। ही गिव्स टू आर्म्स। जो वो खैरात करता है वो क्या है, 20% ऑफ 75। 75 का वो क्या करता है, 20% क्या कर देता है, खैरात कर देता है। तो खैरात वाले रुपए कितने बनते हैं वो हम निकालते हैं। 75 मल्टीप्लाई 20% क्या होता है, 20 डिवाइडेड बाय 100। 75 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से, तो 20 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है देख लेते हैं इधर। 75 मल्टीप्लाई 20, 0 0, 2 5s are 10, 1 carry, 2 7s are 14, 14 और 1 15, तो ये आ गया 1500 डिवाइडेड बाय 100। तो 20 से 20 कैंसिल हो गई, या 1500 को डिवाइड करेंगे 100 पे तो ये आएगा हमारे पास 15। तो रुपीज़ आ गए 15 जो उसने खैरात कर दिए। तो उसके पास कितने रुपए थे, 75। तो 75 में से उसने 15 को खैरात कर दिया, तो बाकी उसके पास कितने बचते हैं वो हमने फाइंड करने थे। रिमेनिंग अमाउंट सईद हैज़, तो 75 माइनस 15 कितने आ गए, 60 रुपीज़ उसके पास बाकी बच गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। कोमल मेड अ सूट ऑफ 5.5 मीटर्स क्लॉथ आउट ऑफ 44 मीटर्स। 44 मीटर में से उसने 5.5 मीटर का सूट बना लिया, यानी उसके पास कितना कपड़ा था, 44 मीटर। तो उसने उसमें से 5.5 मीटर का सूट बना लिया। व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लॉथ डिड शी यूज़ फॉर द सूट, यानी कि हमने परसेंटेज फाइंड करनी है कि कितने परसेंट उसने सूट बनाने के लिए इस्तेमाल किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो जो टोटल लेंथ थी क्लॉथ की वो फाइंड कर, वो हमारे पास है 44 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ 44 मीटर थी ना, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। तो उसने जो सूट बनाया उसमें से 5.5 मीटर, कोमल मेड अ सूट, कोमल ने जो सूट बनाया वो कितना था, 5.5 मीटर। तो हमने परसेंटेज फाइंड करने के, कितने परसेंट उसने सूट में इस्तेमाल किए।
कपड़ा जो इस्तेमाल किया है ना उसने, परसेंटेज ऑफ क्लॉथ शी यूज, फाइव पॉइंट फाइव मीटर उसने जो सूट के लिए इस्तेमाल किया था, तो जो टोटल लेंथ थी वो क्या थी, 44 मीटर, उस पर डिवाइड कर देंगे 44 पे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो ये परसेंट में आ जाएगा। तो 5.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 550 डिवाइड बाय 44%। 550 को डिवाइड कर देंगे 44 पे, तो ये हमारे पास आ गया 12.5%। तो जितना परसेंट उसने कपड़ा यूज़ किया था वो ये आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। 85% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ऑफ 300 स्टूडेंट्स पास्ड एन एनुअल एग्जामिनेशन। 85% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल, स्कूल में जो है 85% स्टूडेंट पास हो गए हैं, कितने में से, 300 स्टूडेंट में से। हाउ मैनी ऑफ देम आर फेल, उनमें से कितने स्टूडेंट्स फेल हुए वो हमने फाइंड करने हैं। 85% पास हुए हैं तो जो टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं वो हैं कितने, 300 स्टूडेंट्स, हमने फेल स्टूडेंट्स मालूम करने हैं। तो जो टोटल स्टूडेंट थे वो लिखते हैं, टोटल स्टूडेंट्स थ्री हंड्रेड, पास्ड स्टूडेंट्स एट्टी फाइव परसेंट पास हुए, तो जितने पास हुए वो हम मालूम कर लेते हैं। ये परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको हम नंबर मालूम कर लेते हैं। नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, एट्टी फाइव परसेंट कितना है, 300 का 85% परसेंट को हम लिख सकते हैं 85/100 मल्टीप्लाई 300, तो दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कैंसिल हो गई, 85 मल्टीप्लाई 3, तो 85 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 255। तो जितने स्टूडेंट पास हुए हैं वो हैं 255। तो अब तो टोटल स्टूडेंट से 300 है, तो 300 में से 255 स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, तो फेल होने वाले स्टूडेंट्स मालूम हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स, तो टोटल थे 300, तो पास हो गए हैं 255, तो फेल होंगे फिर 45 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 300 में से 255 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएंगे 45 स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर है, द 60% लेंथ ऑफ अ रोड इज 75 किलोमीटर। तो जो रोड की लेंथ है 75 किलोमीटर वो है 60%, यानी कि 60% लेंथ है जो रोड की वो कितनी है, 75 किलोमीटर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रोड, यानी कि 100% लेंथ हमने फाइंड करनी है, टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो ये 60% दी हुई है, हमने 100% लेंथ फाइंड करनी है, 60% लेंथ ऑफ रोड। वो है 75 किलोमीटर। 1% लेंथ ऑफ रोड क्या होगी,
75 डिवाइडेड बाय 60, 75 को डिवाइड कर देंगे 60 पे, ये वाला इधर आके डिवाइड हो 60, यानी 1% लेंथ ऑफ रोड। जब 100% लेंथ ऑफ रोड फाइंड करनी है, टोटल लेंथ ऑफ रोड, तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो टोटल लेंथ ऑफ रोड क्या होगी, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये 100% हो जाएगी, यानी कि टोटल लेंथ हो जाएगी। तो इधर टोटल लेंथ लिखेंगे, फिर टोटल लेंथ ऑफ रोड सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 100। 75 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 7500 डिवाइडेड बाय 60। तो 7500 को डिवाइड कर देंगे 60 पे, तो ये हमारे पास आएगा 125 किलोमीटर। तो ये टोटल लेंथ ऑफ रोड है 125 किलोमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सना गॉट 484 मार्क्स आउट ऑफ 550 मार्क्स। सना ने 484 मार्क्स हासिल किए हैं, कितने में से, 550 मार्क्स में से। फाइंड द परसेंटेज ऑफ हर मार्क्स, तो उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, कितने परसेंट उसने मार्क्स हासिल किए। तो जो टोटल मार्क्स थे वो कितने हैं, 550 टोटल मार्क्स, 550। सना गोट, सना ने हासिल किए हैं जो 484, तो परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, कितने परसेंट उसने हासिल किए, परसेंटेज फाइंड करनी। 484 को डिवाइड कर देंगे 550 पे, 484 डिवाइडेड बाय 550 मल्टीप्लाई 100%, तो 100 को 484 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 484 मल्टीप्लाई 100, तो ये 550 पे डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो मैं लिख देता हूँ। तो इसको डिवाइड करने से आंसर आता है 88%। सना ने 88% मार्क्स हासिल किए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इन अ टाउन 35% ऑफ 15,000 वोटर्स डिड नॉट कास्ट वोट इन एन इलेक्शन। एक कस्बे में 35% लोगों ने वोट कास्ट ना किया। 35% कितने में से है, 15,000 में से। हाउ मैनी पीपल कास्ट वोट, कितने लोगों ने वोट कास्ट किया, वो हमने फाइंड करना है। यानी कि 35% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, कितने में से, 15,000 में से। तो कितने लोगों ने वोट कास्ट किया है वो हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ वोटर्स। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, 15,000। परसेंटेज डिड नॉट कास्ट, थर्टी फाइव परसेंट लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। नंबर ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट, तो 35% ऑफ 15,000 है ना, जितने लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, तो इसको हम परसेंटेज को हम निकाल लेते हैं कि कितने लोग बनते हैं।
35 ओवर 100 मल्टीप्लाई 15,000। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देख लेते। 20 से 20 कैंसिल हो गई, 35 मल्टीप्लाई 150, ये हमारे पास आएगा 5,250। तो इतने लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है कि कितने लोगों ने कास्ट किया है वोट। नंबर ऑफ वोटर्स कास्ट वोट, कास्ट नंबर ऑफ वोटर्स कास्ट टोटल कितने हैं, 15,000। जितने लोगों ने कास्ट नहीं किया उनको माइनस कर देते हैं, तो जो कास्ट किए होंगे वो आ जाएंगे। 15,000 माइनस 5,250, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9,750 वोटर्स, जितनों ने वोट कास्ट किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।